हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन स्टेट्स दैट इन द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स Fe(H2O)5NO(SO4) नाइट्रिक ऑक्साइड बिहेव्स एज, ऑप्शन ए एनओ पॉजिटिव, बी एनओ, सी एनओ नेगेटिव, डी एनओ टू नेगेटिव। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछा गया है कि जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो किसकी तरह बिहेव करता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट, सो यहां पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर एंड। अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि जो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड है वो किन की तरह बिहेव करेगा। सो बेसिकली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली जो लूज या गेन होते हैं, ईदर लॉस्ट और वी कैन से लूज और गेन बाय एन एटम टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर अगर हम अपने कंपाउंड की बात करते हैं जो कि गिवन है, विच इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, सो इट इज Fe(H2O)5 एंड देन इट इज NO एंड यहाँ पर है SO4। तो यहाँ पे जो SO4 है ये एनायन की तरह बिहेव कर रहा है एंड इसका जो चार्ज होता है वो होता है -2। अगर इसका -2 है तो जो ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है इसका आ जाएगा +2। डेट मीन्स जो हमारे पास अब कॉम्प्लेक्स है Fe, देन H2O5, देन NO, सो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज है। तो इससे अगर हम Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो ये भी +2 हो जाएगी, बिकॉज जो वाटर है उसका चार्ज 0 होता है एंड जो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड उसका भी 0 होता है। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, जो यहाँ पर केस होता है उसके अंदर जो NO है विच इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता है टू Fe2+ एंड Fe2+ एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद बन जाता है Fe+। यानी कि जो Fe है वो तो Fe+ की तरह बिहेव कर रहा है, बट इफ यू टॉक अबाउट द अदर वन विच इज NO विच इज नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO+ में, एंड दिस NO+ इज अ नाइट्रोसिल लाइगेंड। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट इन द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स Fe(H2O)5NO(SO4) द नाइट्रिक ऑक्साइड बिहेव्स एज NO+। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द वेरी बेस्ट।